सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर हम कर रहे थे। डबल साइडेड एरर वाला जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। मैंने आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए और आगे भी उसके प्रैक्टिस करेंगे। बट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आशा करता हूँ कि जो डबल साइडेड एरर्स, इसको बच्चों हम टू साइडेड एरर्स भी बोल के चलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि सर बुक में टू साइडेड है, आप डबल साइडेड बुला रहे हो, बोल के चल सकते हैं दोनों नाम से। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि आपने वो देखा है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले प्लीज वो देख के आइए, क्योंकि जो सिंगल साइडेड एरर्स हैं या फिर इसको वन साइडेड एरर्स भी बोलते हैं, वो तभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा जब आपका बेस जो मैंने पहले क्लियर किया हुआ है ना, क्लियर होगा तभी आगे का समझ में आके चलेगा आपको। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं सिंगल, जिसको हम वन साइडेड एरर भी बुलाते हैं। तो मुझे फटाफट से बताओ, डबल साइडेड एरर्स का मतलब क्या था, जिसको हम बोलते हैं टू साइडेड एरर्स? सर सीधा सीधा मतलब था क्या? सर जिसमें दो अकाउंट्स इफेक्ट हो गए। ठीक है, अब बात करो सिंगल या फिर वन साइडेड एरर, इसका मतलब क्या है? सर जिसमें एक अकाउंट इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके से होते हैं। फटाफट मेरे साथ लिखेंगे सर, सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, अभी सिर्फ लिख लो, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी सिंपल लिख लो, दिल पे पत्थर रखे कि अभी हम समझेंगे इसको, कोई रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। ठीक है, इसका मैंने हल्का सा हाईलाइट आपको पहले दे दिया था और हल्का सा हाईलाइट आज दे दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो सिंगल साइडेड एरर्स में भी दो तरीके के होते हैं, बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एक बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट होता है और एक होता है हमारे पास आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सर ये माजरा क्या है, नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब क्या है? अब इसका आराम से मतलब समझ के चलते हैं। अब जो जो मैं आपको थिंक करने के लिए कह रहा हूं, वो आप उसको सोच के चलेंगे आराम से। ठीक है, क्या होता था सर? जर्नल से हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई थी। सर जर्नल से हम करते थे लेजर में पोस्टिंग, लेजर से हम करते थे ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग। एंड ट्रायल बैलेंस में आपने एक चीज हमें समझाई थी, क्या कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ गलत कर जाते हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो मैच नहीं करता, ये बात समझाई थी। बिल्कुल, तो अब क्या इसमें दो चारे हैं आपके पास? क्या पहला चारा है कि जाओ शुरुआत से जर्नल पे जाओ, सारी चीजें ठीक करो, देखो कहां गलती हुई है, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस पे ठीक करेंगे, इतना लंबा वे है। या फिर सेकंड वे है, ठीक है यार मन पे पत्थर रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमें जानते हैं कि गलती हुई है। कैसे? सर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रही। तो ठीक है सर, देख लेंगे बाद में अगर कोई गलती निकलेगी, बट सर मैच करना तो जरूरी है। तो बच्चों जितने से वो मैच नहीं हो रहा, जितने का वो डिफरेंस आ रहा है, उसमें हम सस्पेंस अकाउंट खोल दिया करते थे। उसमें जो भी डेबिट साइड का कम आ रहा था तो डेबिट साइड खोल दिया करते थे, क्रेडिट साइड का कम आ रहा था तो क्रेडिट साइड ओपन कर देते थे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई है। अगर इतनी बात भी नहीं आती है अब आपको, तो एक ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है, जनरल प्लस लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस। मैंने एक मैराथन क्लास ली थी, मेरे को याद है, उसमें मैंने ये चीज बहुत अच्छे से समझाई है, तो प्लीज वो देख लेना लेक्चर। ठीक है, तो क्या हुआ, मान लीजिए आप सबके सामने ये है एक ट्रायल बैलेंस। ओके, ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में ऐसे बनाते थे हम, ओ सॉरी थोड़ी सी लाइन हमारी वो हो गई। तो यहां हमारा होता था, मान लीजिए छोटा सा जस्ट एक एग्जाम्पल लेने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, स्केल को बोल देते हैं ओके टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये होती थी हमारी डेबिट साइड और ये होती थी हमारी क्रेडिट साइड, और जितनी भी लेजर के अकाउंट्स बनते थे उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते थे, हम वी स्टार्ट पोस्टिंग हियर इन ट्रायल बैलेंस, एक समरी बना लेते थे देखने के लिए कि क्या क्या जिसके क्लोजिंग बैलेंस आया है तो क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर रही है। मान लीजिए आपने यहां पे सब कुछ डाल लिए, अकाउंट्स यहां पे डाल लिए, यहां पे डाल लिए, यहां पे डाल लिए, तो आपने जब डेबिट साइड का टोटल किया ना, तो आपके डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 40,000 और क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है आपका 60,000। मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जा रहा हूं, ठीक है ना? तो अब आप ऐसे करके बैठ जाते थे, भाई अब क्या करें? तो फिर मैंने आपको समझाया था कि भैया एक अकाउंट ओपन कर लो, पीछे जाने से अच्छा है बाद में देख लेंगे, कोई अगर हमें रेक्टिफाई करना होगा, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बाद में देख लेंगे, अभी के लिए तो इसको ठीक करो ना यार। अभी के लिए इसको ठीक करने के लिए आप क्या करते थे? आप ऐसे करते थे 20,000 और यहां लिख लेते थे आप सस्पेंस अकाउंट, ऐसे ही करते थे। फटाफट से बताओ, यस सर ऐसे ही करके चलते थे।
और ये हो गया हमारा 60,000 और 60,000। बहुत खुशी खुशी आप कहते थे चलिए सर सारी मुसीबत खत्म हो गई। इसमें आपने ओपन कर दिया सस्पेंस अकाउंट, मैं फिर से बोल रहा हूं रेड पेन से लिख रहा हूं, इसमें आपने ओपन कर दिया सस्पेंस अकाउंट। यस सर, इसमें हमने ओपन कर दिया है अपना सस्पेंस अकाउंट। अब ये बनाने के बाद अचानक से आपको पता लगा है, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, यहां पे सस्पेंस अकाउंट आपने डेबिट 20,000 में इस समय खड़ा कर दिया है। अब सस्पेंस अकाउंट बन गया, सब कुछ बन गया, अब आपको अचानक से पता लगा, ओ यार जो परचेजेस है 20,000 रुपए की वो तो शो करी नहीं। अब इसकी जगह अगर आप परचेजेस शो कर देते 20,000 रुपए का, इसकी जगह अगर आप परचेजेस शो कर देते तो आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही क्या पड़ती। बट सर उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था, उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था कि सर परचेजेस की वजह से 20,000 हमारा कम आ रहा है। तो सर अब इसको ठीक कैसे किया जाए। तो बच्चों अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ, रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब क्या होता है कि अभी सिचुएशन हो गई है इसको ठीक कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ ये रेक्टिफाइंग एंट्री आप कब पास कर रहे हैं। सर ये रेक्टिफाइंग एंट्री मैं पास कर रहा हूं, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना तभी रेड पेन में लिखवा रहा हूं, आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। फटाफट से जवाब देंगे क्या ये मैंने बात बिल्कुल सही लिखी है। सर सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है और उसके बाद हमें गलती मिल रही है सर कि ये हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं किया था 20,000 से, तभी तो सस्पेंस अकाउंट में 20,000 हमें खड़े करने पड़े। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी मुझे फटाफट से बताओ। जब गलती पता लग जाती है तो सस्पेंस अकाउंट गलती के कारण ही खड़ा किया हुआ था, क्या अब इसको खड़ा करने का कोई फायदा है? नहीं है सर, क्योंकि हमें गलती मिल गई है। तो बच्चों रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी सर परचेज अकाउंट डेबिट तो करना ही था, और सर सस्पेंस अकाउंट सर क्यों खड़ा किया हुआ है आप डेबिट साइड पे, आपने सस्पेंस के 20,000 रुपए के क्यों खड़ा किया, खत्म करो सर मिल गई गलती। तो बच्चों हमारी एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट कितने से, ये हो जाएगा हमारा 20,000 एंड 20,000। आज तक सीरियसली बोल रहा हूं मैं, आई विल नॉट टेक द नेम, आज तक आपको सिर्फ यही समझाया होगा, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मेरे से पहले किसी से, उन्होंने सिर्फ ये समझाया होगा कि यार सस्पेंस अकाउंट ओपन है, हाँ ओपन है, परचेज अकाउंट डेबिट करना है, बाकी जो टू वाला अकाउंट है ना वो सस्पेंस में लिख दो। बट आज तक ये समझना जरूरी था कि सर इसको मैं टू सस्पेंस क्यों कर रहा हूं, इसको मैं टू सस्पेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जब गलती हुई थी तो एज अ डेबिट साइड पे इतने से खड़ा हुआ था, अब गलती जब मिल गई है तो भैया उस सस्पेंस अकाउंट को हमें खत्म करना है, तभी उसको उल्टा करते हैं ना, किसी का इफेक्ट कम करना है तो उसको उल्टा कर देते हैं। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी कहे कि यार परचेज अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट की ही गलती है, वन साइडेड एरर है, आपको परचेज अकाउंट से 20,000 बढ़ाना है और इसमें आपको ओपन किया हुआ है सस्पेंस अकाउंट, तो आप उससे जरूर पूछना कि यार, या फिर उसको बताना कि यार परचेज अकाउंट डेबिट, आपने मुझे ये समझाया था कि अब टू में कुछ ना कुछ तो लिखना ही है क्योंकि आपने रट्टा मरवाया कि आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो टू सस्पेंस अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेबिट साइड में पहले खड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से मुझे बताएंगे, हाँ जी सर ये चीज समझ में आ गई। तो फर्स्ट चीज जो थी कि सिंगल साइडेड एरर का मतलब होता है एक एक अकाउंट में गलती है, कि मतलब एक अकाउंट में गलती है। और सर दूसरी चीज, मैं तब तक पूरी एंट्री पास नहीं कर सकता जब तक सर मेरे पास डबल इंपैक्ट ना हो, डेबिट वाली चीज भी होनी चाहिए, क्रेडिट वाली भी चीज होनी चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करता है, वो होता है आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट में आपके हाथ खुल जाते हैं किस बात के लिए, एक पूरी एंट्री बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट, चाहे वो डेबिट साइड पे खड़ा है चाहे वो क्रेडिट साइड पे खड़ा है, आपने खड़ा किया हुआ है किस चीज के लिए, क्योंकि आपने कोई ना कोई, यहां पर मैं दिखा देता हूं, क्योंकि आपने कोई ना कोई एंट्री आपने मिस की हुई है, तभी सस्पेंस अकाउंट यहां पर खड़ा हुआ था। और जैसे ही वो एंट्री मिल गई सही वाली, उस हिसाब से आप जो सस्पेंस अकाउंट होगा उसका इफेक्ट निल करने के लिए आप उसका
इफेक्ट कम कर देंगे, क्योंकि वहां पे डेबिट साइड पे आपका खड़ा हुआ था सस्पेंस अकाउंट, उसका इफेक्ट नील करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ा। तो बच्चों इस केस में पास अ फुल फ्लेज एंट्री, मेरे साथ प्लीज लिखेंगे सब, आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट वाला अगर केस आता है और आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्टेड है, तो बच्चों इसमें पास अ फुल एंट्री। और आप जानते हैं पास अ फुल एंट्री मतलब रट्टा नहीं मारना कि अगर डेबिट में परचेजेस है तो सर क्रेडिट में सस्पेंस लिख देंगे, नहीं, क्यों लिखेंगे उसको समझ के करना है, ठीक है। तो आई होप आपको आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, इस पे थोड़ी और चर्चा होगी, बट मेन आज चर्चा किस पे होगी सर? मेन आज चर्चा होगी बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट इस वाले टॉपिक पे कि सर इसमें क्या करें, क्यों? क्योंकि सर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, हम एक फुल फ्लेज एंट्री पास नहीं कर सकते, क्योंकि एक फुल फ्लेज एंट्री में सर डेबिट भी कुछ होता है और क्रेडिट भी कुछ होता है, बट सर आप कह रहे हैं बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों इस केस में क्या होता है, मेरे साथ प्लीज सब लिखेंगे, इन केस वेयर सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन, ठीक है, इन केस वेयर सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन, मैं बात कौन से कर रहा हूं, सिंगल साइडेड या फिर वन साइडेड एरर की, ठीक है, सिंगल साइडेड या फिर वन साइडेड एरर की बात कर रहा हूं। इस केस में मेरे साथ फटाफट से बनाएंगे, यू नीड टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट, उसका सीधा साधा एक लेजर अकाउंट बना दो। अब इसमें क्या कंफ्यूजन आई कि सर लेजर अकाउंट बनाएंगे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो कि जो परचेज है ना, जो परचेज है वो आपने 20,000 से कम दिखाई है, ठीक है, जो परचेज है वो आपने 20,000 से कम दिखाई है, बाकी सब कुछ ठीक है, हाँ सर बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ परचेज अकाउंट में गलती है। सर एक चीज तो मैंने पकड़ ली, क्या सर? ये सिंगल साइड रह रहा है क्योंकि एक अकाउंट में सिर्फ गलती है। तो इस केस में क्या करें, क्या सर बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट है कि आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट है? सर ये बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट है। अगर आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट होता, दैट मीन सस्पेंस अकाउंट, ये जो आपने गलती की है उसके लिए हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो मैं क्या एंट्री पास करता, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बट ये बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट है। तो मैंने आप सबको बता रखा है जब भी बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट होता है तो उसमें क्या करना है, आप परचेज अकाउंट का लेजर बनाइए। अब इसमें भी एक चीज का आपको डाउट आएगा, क्या सर चाहे लेजर बना लो चाहे एंट्री कर लो, सर दो चीजों की तो जरूरत होती है, डेबिट और क्रेडिट दो अकाउंट्स की तो जरूरत होती है ना, आपने सर मना किया हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना, तो इसको कैसे करें, इसको मैं आपको बता के चलता हूं इसको कैसे करना, ठीक है। सो ये लेजर अकाउंट बना लिया आपने, थोड़ा सा लाइन बिल्कुल ठीक लग रही है, ठीक है ना। सो ये अब क्या कहता है परचेज को आपने 20,000 से कम दिखाया है, दैट मीन्स हमें 20,000 से बढ़ाना है। तो इस केस में बच्चों थोड़ी सी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो आपको यूज करने पड़ेंगे। इस केस में आप कोई अकाउंट नहीं खोल रहे हो, सिर्फ ये दिखा रहे हो कि हाँ जो 20,000 से कम थे हम परचेज में बढ़ा रहे हैं। आप सब जानते हैं ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। अब परचेज को बढ़ाना है, इसमें आपने अपनी सोच कैसे चलानी है कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ये बात तो आप मानते हैं? बिल्कुल सर मानते हैं। अगर परचेज अकाउंट को बढ़ाना है तो सर डेबिट ही तो करेंगे, तो डेबिट साइड पे आपने देखना है कि 20,000 से कमी है, दैट मींस 20,000 से बढ़ाना है, और जब भी परचेज अकाउंट को बढ़ाना है तो डेबिट करते हैं, तो आप लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू लेस अमाउंट या अंडरकास्ट अमाउंट, कुछ भी इंग्लिश यूज कर सकते हैं, बट अगर आप अंडरकास्ट ओवरकास्ट ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, बट ये मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिखवा रहा हूं, टू लेस अमाउंट शोन इन परचेज अकाउंट, कितने की? 20,000 रुपए की, बस छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। ट्राई टू एनालाइज कि इसमें आप डबल इंपैक्ट एंट्री
प्रॉपर एंट्री पास नहीं कर सकते क्योंकि ये बिफोर ओपनिंग है, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें लेजर में बना तो रहा हूं मैं लेजर अकाउंट, बट क्या इसमें आप टू सस्पेंस अकाउंट लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे। इसमें सिर्फ एक हल्की सी एक बात लिख दी कि मैंने ना 20,000 से कम शो किया हुआ था परचेज अकाउंट में, इसलिए मैं 20,000 से बढ़ा रहा हूं। इसमें कोई अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। ये वर्डिंग्स पढ़ो, टू लेस अमाउंट शोन इन परचेज अकाउंट, या फिर टू अंडरकास्ट ऑफ अमाउंट ऑफ ₹20,000 इन परचेज अकाउंट, यहां 20,000 डाल देंगे और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आज जो चर्चा होगी, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे, वो सिंगल साइडेड एरर्स के बिफोर ओपनिंग ऑफ परचेज अकाउंट के करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से क्लेरिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, आराम से धैर्य से पढ़ना। कहता है, व्हाइल ट्राइंग टू क्लोज हिज बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, महेश फाउंड दैट द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, ही ट्रेस द फॉलोइंग एरर्स। वो कह रहे हैं, भाई साहब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। ठीक है, इससे ही पहले आपको पता लग जाना चाहिए कि सर आफ्टर है कि बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट है। बट आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा मोस्ट ऑफ द केसेस, बट एक बात बोलूं, मैं आपको इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, आप फटाफट बता दोगे कि बिफोर है कि आफ्टर है। वैसे क्वेश्चन में मैच होगा, मतलब आपको गिवन होगा। ठीक है ना, तो इसमें सबसे नीचे पढ़ो, कहता है रेक्टिफाई द अबव एरर अज्यूमिंग दैट नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन्ड With difference in the trial balance। सर एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या कि सर हम प्रॉपर एंट्री पास कर ही नहीं सकते। सर कैसे कर लोगे? सर बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट है। तो इसमें पॉइंट नंबर वन जो मुझे लगेगा कि पॉइंट होमवर्क के लिए है, वो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा। कहता है द परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100। अब इसमें चीज क्या आई? इसमें चीज ये आई कि सर इसके आंसर में लिखेंगे क्या? देखो आंसर में आप वर्किंग नोट में लेजर बना सकते हो, और आंसर में जो आपने लेजर अकाउंट में लिखा है ना टू ओवर का, वो लिख के चल सकते हो, या फिर दोनों चीजें आप बना लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द परचेजेस बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹500। अंडरकास्ट का मीनिंग क्या होता है? अब थोड़ी इंग्लिश की भी बात हो जाएगी। अंडरकास्ट का मीनिंग होता है कि भैया आपने ₹500 से कम दिखाई हुई है। तो इसको कैसे शो करना है? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप बना के चलेंगे लेजर अकाउंट। ये चीज मैंने आपको समझाई है, क्योंकि आपको एक चीज क्लियर होगी, सर सिंगल साइडेड एरर है, प्रॉपर एंट्री पास नहीं कर सकते क्योंकि बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट है। तो इसमें फटाफट से बताइए, ये बना अपना परचेज अकाउंट। ओके, इसमें हम फॉर्मेट बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाउंट, हल्की सी इसमें छोटी सी लाइन खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या लिख के चलना है? सर इसमें 500 से कम हो गया तो क्या एंट्री होगी? सर इसमें एंट्री तो होती नहीं। सर आप लेफ्ट साइड पे बढ़ाना ही है ना सर परचेज को, बिल्कुल। सर ये डेबिट साइड होता है और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। तो यहां पे आप लिख दो टू अंडरकास्टिंग। फिर से बोल रहा हूं, ये थोड़े वर्ड यूज करोगे ना अच्छा लगेगा लिखते हुए भी, टू अंडरकास्टिंग। इसमें लिख दो आप टू अंडरकास्टिंग ऑफ पीबी, लिख रहा हूं पीबी मतलब परचेज बुक। ठीक है, कितने से है? टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, ये है 500 से। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर यहीं करके छोड़ दे। नहीं, एक ऐसे बना दो और एक साइड पे ऐसे करके भी लिख देना इनवाइटेड कॉमास में टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। ठीक है, ये चीज बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने आपको बता दिया, अब आप खुद ये चीज करके चल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको अकाउंट्स बनवा दूंगा लेजर के। ओके, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। क्या कहता है सेकंड पॉइंट? कहता है द सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100, या सेल्स बुक ₹100 से ज्यादा शो कर रहे हो, तो इस केस में क्या करोगे? सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, तो ये आपके सामने होता है पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारे पास अमाउंट, एक हो गया पर्टिकुलर्स और एक हो गया अमाउंट। ठीक है, ये सीधी सी लाइन खींच लेना। और इसमें कहता है कि ₹100 से ज्यादा शो कर दिया। अब फटाफट इसमें पता है क्या मेंटेलिटी रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़ो कौन से अकाउंट में गलती है। सर सेल्स अकाउंट में गलती है। दूसरी चीज देखो, ये अकाउंट कैसे बढ़ता है? सर सेल्स अकाउंट तब बढ़ता है जब क्रेडिट कोई चीज की जाती है। ठीक है, तीसरा स्टेप इसमें ये देखो कि ₹100 से ज्यादा शो कर दिया, दैट मीन सेल्स अकाउंट आपको उसका इफेक्ट कम करना है। सेल्स अकाउंट बढ़ता कैसे था? सर क्रेडिट कर दो तो ज्यादा बढ़ता था, बट सर हमें ₹100 से कम करना है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। ये कौन सी साइड होती है लेजर की? ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। तो बच्चों क्या एंट्री करोगे? यहां पर एंट्री कर दोगे टू ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स। कितने से? ये हो गया हमारा ₹100। नॉर्मल है, बस यही क्वेश्चन, और क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इसमें हम बढ़ते हैं फिर आगे थर्ड पॉइंट पे।
क्या कहता है थर्ड पॉइंट, पढ़ेंगे प्लीज क्वेश्चन पे देखिए आप सब। कहता है कि ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिस अकाउंट। स्टेप नंबर वन, देखो कौन सा अकाउंट गलत है। सर इसमें ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिस अकाउंट। अब इसमें अगर आप दिमाग लगाना चाहो तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या चीज सही होनी चाहिए थी और क्या चीज हमने कर दी जो कि गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हो या फिर जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो देख के ही बता देंगे, बट मैं एवरेज बच्चों के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उनको भी समझ में आ जाए। तो कहता है 620 रिसीव फ्रॉम मोहन, हमने 620 रुपीज मोहन जी से रिसीव किए, एंट्री क्या होनी चाहिए थी। सर एंट्री होनी चाहिए थी इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कितने से, ये होना चाहिए था हमारा 620 है ना, बिल्कुल 620 एंड 620। अब इसमें घबराना नहीं कि सर गलत वाली चीज, सिर्फ एक ही पॉइंट गलत हुआ है, सिर्फ एक ही अकाउंट गलत हुआ है। हाँ कभी कभार ऐसे एरर्स भी होते हैं जिसमें एक अकाउंट गलत होता है। ठीक है, कहता है कि 620 रिसीव फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। बच्चों इसमें ये नहीं कह रहा है वो कि कैश अकाउंट, इसमें फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें ये नहीं कह रहा है वो कि कैश अकाउंट की गलती है, इसमें ये नहीं बोल रहा। कह रहा कैश अकाउंट तो बराबर डेबिट किया, उसको तो छोड़ दो यार, मोहन के अकाउंट की गलती है। स्टेप नंबर वन मैंने आपको क्या बताया था, कौन से अकाउंट में गलती है, कह रहा मोहन के अकाउंट में गलती है। कह रहा करना क्या था हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट करना ये चाहिए था, बट हमने कर क्या दिया, हमने मोहन अकाउंट डेबिट कर दिया। अब इसका मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कैश अकाउंट डेबिट नहीं किया। मैं जानता हूं सुनने में थोड़ा ऊटपटांग सा लग रहा होगा कि सर अगर मोहन अकाउंट डेबिट किया दैट मींस कैश अकाउंट डेबिट नहीं किया, ऐसा नहीं है, उस क्वेश्चन में लिख दिया गया है, ये सिंगल साइड एरर, एक अकाउंट की गलती है। तो बच्चों इसमें रेक्टिफाइंग एरर क्या रहेगा मुझे फटाफट से बता के चलेंगे। सर मोहन अकाउंट को 620 से क्रेडिट करना था, बट सर उसने तो 620 से डेबिट कर दिया, दैट मींस पहले इस 620 को क्रेडिट करो और ये जो असली वाला 620 है इसको भी क्रेडिट करो, पहले इसको करो और इसको भी क्रेडिट करो। टोटल कितना हो गया, 620 प्लस 620, ये हमारे पास होके चलता है 1240 से मोहन के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो इसमें अगर मैं मोहन अकाउंट का लेजर बना के चलूं, मोहन अकाउंट क्या होता है सर, मोहन अकाउंट एक तरीके का हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट सर डेबिट करोगे तभी बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बना लीजिए प्लीज पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। समझ में आई ये चीज के नहीं आई, कई बच्चे इसमें कैश अकाउंट का डेबिट का गलती निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है। उसने यही बोला कि कैश अकाउंट में गलती नहीं है, उसके हीज अकाउंट में गलती आई है, ठीक है। सो ये हमारा होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। तो हमें क्या करना है, हमें करना है ₹1240 से मोहन जी के अकाउंट को क्रेडिट कर देना। अब इसमें लिखेंगे कैसे, इसमें स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ एरो डाल के लिख रहा हूँ। इसमें आप ऐसे लिख लेना बाय एरर इन पोस्टिंग, बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ मोहन अकाउंट, है ना, क्या नेम क्या, हाँ बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, कितने से, यहां अमाउंट डाल लेना आप 1240। समझ में आई इतनी चीज के नहीं आई, हाँ जी सर अच्छे से आ गई। तो यही होते हैं और कुछ भी नहीं है आपके क्वेश्चंस। स्टेप नंबर वन पकड़ लिया, बस अकाउंट गलत वाला पकड़ लो, उसके बाद जो सही वाला अकाउंट है उसको छोड़ दो, जो गलत वाले से हरकतें हो रही हैं उसको पकड़ने की कोशिश करो। मैं फिर से बोलूंगा इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, सही वाले को पकड़ लेते हैं। मैं जानता हूं थोड़ा ऊटपटांग लगेगा आपको, बट क्वेश्चंस ऐसे ही निकलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के, ठीक है। फोकस बस किस पे रखना है, फोकस रखना जो गलत वाला अकाउंट है, ठीक है। अब पढ़ो इसके बाद, कहता है द टोटल ऑफ, फोर्थ पॉइंट पढ़ो प्लीज। कहता है द टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट हैज बीन ओवर एडेड बाय 800, या नॉर्मल है 800 रुपए से ज्यादा शुरू कर दिया, ओवर एडेड कर दिया। आप जानते हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। कहता है कि अ डिस्काउंट ऑफ ₹282 अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज
2228, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। कोई गलती लगती है इसमें, अगर कोई आपको परेशानी आ रही है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ के चल सकते हैं, बहुत इजी है। वो क्या कह रहा है कि जो डिस्काउंट अलाउड है वो 282 का था, बट हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228। जो कितने का डिफरेंस आएगा इसमें, शायद मेरे अकॉर्डिंग 54 रुपीज का डिफरेंस आएगा, वो देख लेना आपने उसका क्या करना है। तो फिफ्थ भी आपका होमवर्क रहेगा, दो पार्ट तो आपके होमवर्क के लिए रहने ही चाहिए। सिक्स मैं करवा देता हूँ और बताओ। कहता है कि गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल, ठीक है, दो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हीज अकाउंट। गलती किसमें आ रही है, फटाफट से बताओ। स्टेप नंबर वन सर, गलती आ रही है कुंदन लाल के अकाउंट में। देखते हैं सर, बना के देखते हैं क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो सही वाली एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल, दैट मीन्स हमने परचेज किया होगा तो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी इसमें, कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कितने से, ये हो गया 1200 एंड ये भी हमारा हो गया 1200, और हमने क्या कर दिया, कहते हैं दो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक, अच्छा परचेज रिटर्न बुक में तो आ गया था, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। ओके, कुंदन लाल के अकाउंट में हमने पोस्ट किए ही नहीं 1200 रुपए, यही बात है ना जी, बिल्कुल यही बात है, कुंदन लाल जी के अकाउंट में हमने पोस्ट ही नहीं किया, दैट मीन्स हमने कुंदन लाल अकाउंट डेबिट किया ही नहीं 1200 से, ठीक है। दैट मीन्स एक चीज क्लियर है सर, क्या कि हमें कुंदन लाल जी के 1200 से बढ़ाना है अकाउंट को। टू परचेज रिटर्न किया, हाँ बिल्कुल बोला कि उसने बिल्कुल जो सब्सिडी कैसे लिखा हुआ इसमें, कहते हैं कि उसने रिटर्न बुक में प्रॉपरली पोस्टेड किया है, तो entered in the return book but has not been posted to his account, that means there is a blunder in which account, in Kundan Lal account, okay। So इसमें कैसे करेंगे, इसमें आप लिखेंगे particulars and then amount, then again particulars और उसके बाद हम लिख देंगे amount। Kundan Lal personal account है सर, पर्सनल अकाउंट कैसे बढ़ता है सर, डेबिट से ही बढ़ता है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, टू ओमिशन लिख लो या फिर टू अमाउंट नॉट रिटर्न इन द अकाउंट। ओमिशन लिख लो कि टू ओमिशन ऑफ अमाउंट नॉट रिटर्न इन द अकाउंट या टू अमाउंट नॉट रिटर्न इन द अकाउंट। कितने से, हमारी है 1200 से, और जिसको ये वाली लाइन लिखनी है अलग से वो ये भी लिख के चल सकता है। तो बच्चों ये थे आपके सिंगल साइडेड एरर्स, जिसमें कौन से वाले, बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट वाले एरर्स थे आपके, ठीक है ना। तो आज की एक छोटी सी समरी मैं आपको दे देता हूं कि हमने क्या किया था। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किए थे कि सिंगल साइडेड एरर्स एक ही अकाउंट में गलती है, और इसमें दो केसेस होते हैं, बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट और आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये एंट्री बनी कैसे, ये तो चलो आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट वाले की बता दी, फिर मैं आपको लेके आया था कि जिसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता तो क्या उसमें फुल फ्लेज एंट्री होगी, नहीं सर, उसमें एक लेजर अकाउंट खुलता है, यू नीड टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट, और फिर मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया था। उस एग्जाम्पल करने के बाद हमने फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, यहां से आपका शुरू हुआ था क्वेश्चन नंबर वन, ये आपका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये सारे आपके मैंने पार्ट्स कराए थे। फोर्थ फिफ्थ आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप मुझे बताओ कि आप कर लेंगे सिंगल साइडेड एरर्स जिसमें अभी सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ। जस्ट आपने स्टेप नंबर वन क्या देखना है, स्टेप नंबर वन ये देखना है कि कौन सा अकाउंट गलत है, जो सही है उसको छोड़ दो। मानता हूं जब आप मेरे वाले स्टेप्स फॉलो करोगे, एक टिक वाला एक रॉन्ग वाला, उसमें रॉन्ग वाला भी अजीब सा रॉन्ग वाला आएगा कि उसने मोहन अकाउंट डेबिट कर दिया। अरे डेबिट तो कैश अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, दैट मीन्स वो सही किया, उसने मोहन अकाउंट को क्यों डेबिट कर दिया, उसको हम टारगेट करके ठीक करेंगे, कैश अकाउंट को छोड़ देंगे जो कि सही था, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बिफोर सस्पेंस वाला ही दे रहा हूं, उसमें आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई भी आपको डाउट आता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फॉर क्लास 11th वो हमारी प्लेलिस्ट में है, और सारे चैप्टर्स जितने भी पिछले चैप्टर्स हैं फॉर क्लास 11th एंड बीकॉम वो भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।